और आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा के भिवानी, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन चल रहा है। हम सब गुजरात से आते हैं, हमारे यहां गुजरात में हरियाणा पंजाब उसको बड़े सम्मान से देखते हैं, क्योंकि हरियाणा ये भूमि है जिसकी माताओं ने सेना में हर 10वां जवान हरियाणा का लाल भेदने का काम किया है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है, जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, तो इसमें हमारे हरियाणा के जवानों का बलिदान, वीरता और शौर्य शामिल है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब मुझे याद है मोदी जी ने 2014 के प्रचार की शुरुआत यही हरियाणा से की थी, यहीं से की थी, और उन्होंने वादा किया था कि 40-40 साल से वन रैंक वन पेंशन का जो मांग हमारे सेना के जवानों का, उनके परिवारजनों का है, उसको हम पूरा करेंगे। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक 40 साल तक कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 2015 में वन रैंक वन पेंशन देने का काम कर दिया, और आज एक महीने पहले वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्जन भी लागू करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया, उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अभी एक भ्रांति फैला रहे कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, उनको कोई काम नहीं है अफवाह फैलाने के बगैर, कोई काम नहीं करते हैं, और इसीलिए हमारा हरियाणा इतना पिछड़ गया था। कांग्रेस की सरकारें चलती थी, एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का काम होता था और भ्रष्टाचार बढ़ जाता था, दूसरा मुख्यमंत्री आता था तो दूसरे जिले का काम होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। भाजपा की सरकार आई, पूरे हरियाणा की सरकार आई, 36 बिरादरी का विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी।